हेलो दोस्तों, नमस्कार। मम्मी जी की दुनिया में आप लोग को स्वागत है। और दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने ये बोलूँगा, कभी मैंने मालती चौहान का वीडियो देखा। मैंने तो मालती चौहान का वीडियो देखने में मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, दुनिया क्या बोलता है वो मुझे पता नहीं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इसमें पूरा फायदा, इसमें एक इस चक्रभू में पूरा फायदा विष्णु का है। चैनल भी उसका मिल गया, पैसा कौड़ी मिल गया, सब कुछ उसको मिल गया। अभी देखने में तो पहले ही बोला कि 6 महीना साल भर 2 महीना बाद वो राधिका शादी करने वाला है। वो ये तो मालती चौहान को इतना दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। मालती चौहान को यूज करके उसने पैसा भी कमा रहा है, हैं। और बेचारा उसको क्या ना, वो लड़के का नाम नहीं याद आ रहा है, उसको फंसा रहा है। ये पूरे गेम में विष्णु है, चाहे कोई माने ना माने, पूरे गेम में विष्णु है। और मालती को भी उसने मालती को भी फंसाया। उसने पढ़ी लिखी रहती थी, कानूनी दाव पेच लेती थी। अब उसने मालती के साथ में क्या किया है, इतना अच्छा इधर गुरपुरिया भाभी ने सब सफाई दफाई सब मिला जुला के भाई उधर जाके क्या किया क्या नहीं किया ये सब। ऐसा कौन सा पति होता है कि रात को 12 बजे ले आके दूसरे आदमी से सिंधुदान कराता है? क्योंकि ये अपना इसके गले में हड्डी था, मालती चौहान थी, मालती चौहान को हड्डी निकालना था। उसने निकाल के पूरे मीडिया के सामने बदनाम कर दिया, खुद अच्छा बन गया है। बाकी वो मालती चौहान ही जानती होंगी एक्चुअली बात क्या है, मालती चौहान को पता होगा है, और लड़के को पता होगा, वो लड़के का नाम नहीं आ रहा है मेरे को, उसको पता होगा। ये विष्णु ने बहुत बड़ा गेम खेला है, चाहे कोई माने न माने, विष्णु ने बहुत बड़ा गेम खेला है। अब विष्णु एक दिन ऐसा मुँह गाँव गिरेंगे ना, ज़्यादा कोई पंख लगा कुड़ता है ना, वो मुँह गाँव गिरता है, एक दिन विष्णु गिरेंगे, वो तो पक्का मालूम विष्णु गिरने वाले हैं। भाई क्या है ना कि आज मालती चौहान के वीडियो देखा तब मेरे को भी थोड़ा सा पहले गुस्सा आया था, बाकी अब थोड़ा सा दर्द होने लगा। हाँ सही बात है कि उसने उसको प्यार चीज़ कहीं मिला नहीं, ना मैके मिला, ना बहनौरे मिला, ना पति घर में कहीं से नहीं मिला। वो प्यार के भूखी है, हैं, प्यार के भूखी में उसने गलत कदम उठा लिया, उसने गलत कदम उठा लिया है। और गलत कदम उठाने के बाद उसको पूरे दुनिया में बदनाम कर दिया विष्णु ने, हैं। कितना अच्छा है, ऐसा पति भाग के साथ का दुश्मन है उसको भी न मिले, हैं। अभी वो त्यौहार के टाइम पे एक कमरे में बंद रह के मुँह दिखा के शर्म आ रहा है, ये आराम से वीडियो बना रहे हैं, हैं, पैसे नोट छाप रहे हैं, पूरा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अरे जा विष्णु, तुमको तो बोलते हो विष्णु, एक बात बोलूँ विष्णु, जो मेरा वीडियो तुम्हारे तक पहुँचेगा तो इतना याद करने का, औरत का हाय लगेगा ना तो इंसान कहीं नहीं खड़ा हो पाता है। और तुमको जो मालती का हाय लगेगा तो गिरोगे ही, जो मालती सही होंगी तो, और जो मालती तुम्हारे में मिली भगत होंगी तो कोई बात नहीं है। ऐसा तो मुझे लगता है मालती नहीं है, क्योंकि मालती की वीडियो देख के मुझे लगता है कि मालती मजबूर बहुत है, मालती उसको मजबूरी दो, क्योंकि मालती अंदर क्या है वो किसी से बोल नहीं पा रही है, मेन बात है उसके अंदर क्या चल रहा है वो किसी से नहीं बोल पा रही है, उसका मन ही जानता होगा बेचारे के। अब बेटा बेटा सब लोग कर रहे हैं, सबके नज़र में गिरा दिया मालती को, सबके नज़र में गिरा दिया उसने, बहुत भोगेगा, बहुत भोगेगा वो। आप लोग पहले मालती के वीडियो आप लोग देखिए और आप लोग समझिए कि कितना सही है कितना गलत है। आगे मैं क्या बोलूँ, मैं तो भगवान हूँ नहीं, लेकिन मैं उनका वीडियो देख के मुझे भी आंसू गिर गए। सही बात है, औरत को कोई समझ नहीं पाता, औरत की तकलीफ औरत के अंदर तक रहता है, आदमी अपना हर जगह अपना राज फैला देता है। चलिए आगे क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। नमस्कार, लंबा वीडियो नहीं करूँगी, अब यहीं पर रखता हूँ, बाय।